हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही थी मसाला टी, तो मैंने सोचा रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ मसाला टी। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मसाला टी, इसमें काफ़ी सारे मसाले ऐड होते हैं, मसाले डाले जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी काफ़ी अफादियत हो जाती है, काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। तो ये सबसे पहले है अदरक, अदरक का मैंने टुकड़ा लिया। उसके अलावा है ये सौंफ और ये सिनेमन, दालचीनी और ये इलायची। मैंने दोनों के पाउडर ले लिया, मेरे पास पाउडर थे। आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हो और आप इसकी स्टिक भी यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा मेरे पास है ये ब्राउन शुगर, आप दूसरी भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई सारी शुगर इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे ब्राउन शुगर इस्तेमाल करूँगी। हम थोड़ा डाइट कॉन्शियस हैं जिसकी वजह से हम मीठा कम ही खाते हैं। वैसे मीठा खाना कोई इतनी अच्छी बात नहीं, मीठा कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। जब कभी आपको थोड़ी नीड फील हो तो आप ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं जी। तो एक पैन लिया और इसमें मैंने एक कप पानी ऐड किया है, क्योंकि मैं दो कप चाय बनाऊंगी, एक मैं पीऊंगी और एक कप रोनी पियेंगे। तो इसके लिए, इसी वजह से मैंने एक कप पानी का लिया है। तो ये एक कप पानी में मैं डालूंगी पत्ती, दो पैकेट पत्ती के डाल दिए मैंने। जी तो जैसे ही इसमें उबाला आना शुरू हो जाएगा, हम अपने मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने अदरक डाला और ये सौंफ ऐड की, ये सिनेमन, दालचीनी और ये इलायची का पाउडर। अब इसको हम डाल के पकाएंगे थोड़ा, इसको हम कवर कर देंगे। जी तो रेडी है हमारी मसाला टी। जैसे कि बताया मैंने, मसाला टी के बेनिफिट्स बहुत हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट होती है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत हेल्पफुल होती है, और इसके अलावा एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करती है। तो ज़रूर 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 बना के ट्राई कीजिएगा। मैं तो जब कभी बीमार होती हूँ या फिर जब कभी मूड हो कुछ अच्छी सी चाय पीने का, तो मैं ये टी ज़रूर बनाती हूँ। आज मैं और रोनी दोनों पियेंगे। तो चलिए हम भी इंजॉय करते हैं और आप भी इंजॉय कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।